जब इस भरी गर्मी में किचन से जल्दी हो छुटकारा पाना, लेकिन बढ़िया भी हो खाना, तो इसे जरूर बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त और सभी की पसंदीदा ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी की रेसिपी। बहुत तरह से पनीर भुर्जी बनाई जाती है, एक बार इस तरीके को आप ट्राई करके देखिएगा। इसके अंदर मैंने वो जो ढाबे वालों का सीक्रेट अपनाया है, उसके बाद तो पनीर भुर्जी का टेस्ट एकदम डबल हो गया है और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपका काम भी फटाफट खत्म हो जाएगा किचन से। तो चलिए शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल सुपर टेस्टी पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक बड़ा पतीला या कोई कढ़ाई। अब इसमें जाएगा 2 बड़ा चम्मच तेल और साथ ही ढाबे वालों की स्पेशल चीज बटर। यहाँ पर बस 2 टुकड़े बटर के डाल देंगे। इस स्टेज पर डालने से बटर थोड़ा सा ऑयल के साथ बर्न्ट होता है, जिसकी वजह से स्मोकी फ्लेवर आता है, एकदम धुएंदार वाला फ्लेवर पूरी पनीर भुर्जी में। अगर आप बटर ना डालना चाहें तो उसके बगैर भी बना सकते हैं, थोड़ा सा घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बटर डालने से बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा जैसे आप मार्केट में खाते हैं। और ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। अच्छे से जीरे को तड़का लेंगे और यहाँ हम डालेंगे प्याज। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली थी और उनको इस तरह लंबाई में कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से बनाई जाती है मार्केट में पनीर भुर्जी, तभी वो टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो बारीक मत काटिएगा प्याज को, बिल्कुल इसी तरह डालिएगा। फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई और लगातार चलाते हुए प्याज को हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर प्याज को हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, मतलब ऐसे समझिए हल्की सी गुलाबी बन पर आ जाए और क्रंच बना रहे। बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त पनीर भुर्जी तैयार होती है, इस तरह से जरूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इसमें 1-2 सीक्रेट स्टेप्स ऐसे करने वाली हूँ जिसके बाद तो इसका स्वाद का लेवल एकदम ही अलग हो जाएगा। और ये देखिए प्याज हल्के गुलाबी बन पर आ गई है, तो बिल्कुल इसी स्टेज पर इसमें हम डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली थी जिनको कट कर लिया, साथ ही 1.5 इंच के अदरक को इस तरह से ग्रेट कर लिया है और लगभग 7-8 कली लहसुन की ली है। दरदरा करके डालिएगा, मस्त फ्लेवर आएगा। तो सारी यहीं पर डाल देंगे और 2 मिनट बढ़िया से और पका लेंगे, जिससे कि सबका कच्चापन निकल जाए और सब चीजें बढ़िया से भुन जाए। अच्छा, पनीर भुर्जी के साथ ना एक बड़ी खास बात है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ आपको रोटी ही खानी है, आप इसके साथ कुलचा, पाव, ब्रेड, चाहे तो नान, लच्छा, पराठा, कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। लीजिए, सब चीजें हल्की सी भुन गई हैं, तो इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ ढाबे वालों की सीक्रेट चीज और वो है बेसन। जी हाँ, ढाबे पर जो आप पनीर भुर्जी या बहुत तरह की पनीर की सब्जियां खाते हैं, उनमें स्पेशली बेसन का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसको बाइंडिंग मिलती है, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, साथ के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे बेसन। बेसन को यहीं डाल देंगे तो बेसन यहीं पर भुन जाएगा, अलग से आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और ये देखिए बेसन बिल्कुल बढ़िया से भुन गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के लाल वाले टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया। सारा टमाटर यहीं डाल देंगे, साथ ही जाएगा यहाँ पर नमक, जिससे टमाटर फटाफट से पक जाए, और बढ़िया से टमाटर को यहीं पर पका लेंगे। जब आप इस तरह बनाएंगे 100% मेरी गारंटी है, परफेक्ट आपकी रेसिपी तैयार होगी पहली बार में ही। और 1 मिनट इस तरह पकाने के बाद यहीं पर डालेंगे हमारे मजेदार मसाले। तो मसाले में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला या सब्जी मसाला आप डालकर देखिएगा, पनीर भुर्जी में ऐसा जबरदस्त टेस्ट आएगा कि सब उंगलियां चाटेंगे। अगर आपके पास किचन किंग की सुविधा ना हो तो आप गरम मसाला यहाँ डाल लीजिएगा 1/2 छोटी चम्मच। अब बढ़िया से मसालों को भी यहीं पर भून लेंगे। सब्जी मसाला किचन किंग घर में कैसे बनाते हैं, इनके वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हुए हैं, वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। और मसालों को हल्का सा भूनने के बाद यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के छोटे छोटे मैंने टुकड़े इस तरह से कर लिए थे और बीज हटा दिए, बहुत अच्छी लगती है, क्रंच बड़ा बढ़िया लगता है शिमला मिर्च का, और वो जो ग्रीन ग्रीन लुक आता है पनीर के साथ वो भी बहुत बढ़िया लगता है। तो अगर शिमला मिर्च हो तो जरूर डालिएगा, नहीं तो इसके बगैर बना सकते हैं। हरी मटर भी डाली जा सकती है अगर फ्रोजन है तो आपके पास, वरना आप प्लेन बना लीजिए। शिमला मिर्च इसको लुक और टेस्ट दोनों बढ़ाती है। तो यहीं पर डाल देंगे और हल्का सा और पका लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए मैंने पहले नहीं डाली, हल्का सा क्रंच इसमें रहना चाहिए। ये देखिए क्या लुकिंग आई, एकदम बढ़िया से सभी चीजें भुन रही हैं, तेल भी छूटना शुरू हो गया है। और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसी स्टेज पर डाल दीजिएगा। ये जो मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ इसमें आपको 2-in-1 टेस्ट आएगा, ढाबे वाली पनीर भुर्जी का भी, साथ के साथ जो अमृतसरी पनीर भुर्जी बहुत फेमस है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका भी इसमें आपको टेस्ट आ जाएगा।
इसी स्टेज पे हमारी कोई भी चीज जले नहीं, मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। पानी डालकर बढ़िया से थोड़ी देर और पका लेंगे, जिससे मसाले भी भुन जाएंगे अच्छे तरीके से, कोई भी चीज नीचे तले में चिपकेगी नहीं। और बस इस स्टेज पर इस पर हम लगाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए लिड और फ्लेम को कर देंगे लो। लो फ्लेम पर थोड़ा सा पकने देंगे और ये देखिए मस्त एकदम सब चीजें एकदम बढ़िया से पक गई हैं। हल्की हल्की सॉफ्ट भी है और क्रंची भी है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, जरूर बनाइएगा, क्योंकि गर्मियों में छुट्टी सबको पानी होती है किचन से, तो कुछ बढ़िया और जल्दी बनाना हो, इसे आपको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसे धीरे धीरे सारी चीजें बता रही हूँ। आप जब एक बार बनाने के बाद दूसरी बार बनाएंगे जैसे तुरंत से झट से बना लेंगे मिनटों में। साथ ही तेल भी छूट गया है, ये देखिए क्या रंगत आई है, लग रहा है ना एकदम मस्त। बस तो इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे पनीर। तो ये मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। मीडियम वाला जो होल होता है उससे कीजिएगा, ना बहुत ज्यादा मोटा मोटा होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा बारीक। हाथ से भी क्रश करके बहुत लोग डालते हैं, इस तरह से डालेंगे तो लुक बड़ा अच्छा आता है। तो सारा पनीर यहीं पर डाल देंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स पनीर के साथ और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और पनीर के साथ भी इसको 2 मिनट बढ़िया से पका लेंगे। बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना जो पनीर भुर्जी काफी ड्राई ड्राई सी हो जाएगी, क्योंकि कई बार पनीर की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगे कि थोड़ी ड्राई हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर दें। और ये देखिए क्या रंगत आई है, तेल भी छूट रहा है, एकदम जबरदस्त हमारी पनीर भुर्जी तैयार हुई है, पूरा किचन महक रहा है। तो बस इस स्टेज पर डालेंगे थोड़ी सी दूध की मलाई। तो ये मैंने 2 चम्मच दूध की मलाई ली है, दूध उबल जाने के बाद जो ऊपर मलाई आ जाती है जैसे हम मिल्क क्रीम बोलते हैं, मैंने वो ली है। तो थोड़ा फेंट लें और यहीं पर इसको डाल दें। यूजुअली दूध डाला जाता है या फिर क्रीम डाली जाती है, आप चाहें तो दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, क्योंकि घर में रहती है तो इजी होता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट और पका लेंगे। लीजिए हमारी जबरदस्त टेस्टी बहुत बहुत स्वादिष्ट ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी है बिल्कुल तैयार। तो बस जब रोज वाले खाने से मन भर जाए, किचन से जल्दी छुट्टी पानी हो, सबको खुश भी करना हो, तो इस पनीर भुर्जी को जरूर कीजिए ट्राई। तो बस इस स्टेज पर लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 स्प्लिटेड हरी मिर्च। अब बताइए इसके टेक्सचर, इसके कलर कंसिस्टेंसी से ही लग रहा है ना बनिए जबरदस्त। और बस थोड़ा सा पनीर इस तरह से ऊपर से ग्रेट कर देंगे, बस थोड़ी सजावट के लिए, ऐसी मिलती है ना ढाबे पे। ये देखिए लग रही है ना जबरदस्त टेम्पटिंग और अमेजिंग, खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, परिवार वाले आपसे हफ्ते में 5 बार बनवाएंगे, इतनी बढ़िया बनती है। तो चलिए करते हैं सर्व। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार तो आप इस तरह से जरूर ट्राई करें, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा आपको और पनीर भुर्जी आपको ड्राई भी नहीं लगेगी। और इसके साथ चाहे फिर ब्रेड सर्व कीजिए, पाव सर्व कीजिए, कुलचा सर्व कीजिए, लच्छा पराठा, रोटी, नान, फुल्का, किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कीजिए। इस तरह से लच्छे पराठे के साथ इसे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो अबकी बार इस तरह से पनीर भुर्जी जरूर बनाइए, मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइए कैसी बनी आपकी पनीर भुर्जी, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। और अगर रेसिपी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।